चलिए आज बनाते हैं सुपर डिलीशियस सेट डोसा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी 1 कप सूजी, इसके बाद यह है 1 कप दही, नमक चाहिए होगा टेस्ट के हिसाब से, और इसके बाद यह है 1/4 कप पानी। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये ब्लेंड हो चुका है, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। इस बीच हम एक मजेदार सी नारियल की चटनी बना के तैयार कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम नारियल ले ली है, और इसके साथ ही है ये 1/4 कप भुने हुए मूंगफली के दाने, इसके साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले लेना है। 1 टेबल स्पून दही और नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इस चटनी को हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर चटनी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें सरसों, हरी मिर्च और करी पत्ता से तड़का लगा सकते हैं। अब दूसरी तरफ हमने जो बैटर रखा था, इसमें अब हम 1 छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट या फिर बेकिंग सोडा डालकर हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा बैटर लेकर तवे पर डालेंगे, 30 सेकेंड इसे हाई हीट पर पकाएंगे। अब इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर डालेंगे, इसे कवर करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे लो हीट पर पका लेंगे। और इस तरह से हमारा सेट डोसा बनके तैयार हो जाएगा। बाकी के बचे हुए बैटर से हमें इसी तरह से डोसा बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पीछे से कितना अच्छा सा कलर आया है। बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाने वाली ये सेट डोसा बहुत ही सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इन्हें आप नारियल की चटनी या फिर सांभर के साथ इंजॉय करें।